मिस्टर देवराजन, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, पहली बात तो ये कि मिस विधि का बाल घर के साथ डायरेक्टली कोई लेने देना है नहीं। विधि ने भले ही उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया हो, लेकिन उसका असली जिम्मेदार है। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए कोर्ट को। योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हुआ है इसमें विधि का कुछ लेना देना नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं। देव ने तो सारा गेम ही चेंज कर दिया, उसने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया है। उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा? देव, तुमने थैंक्स टू द पुलिस फोर्स, अभी अभी कुछ नई जानकारियां प्राप्त होने के बाद इस केस ने एक नया मोड ले लिया है। तो ये आपके साथ गई थी? जी जज साहब, कंपटीशन के बहाने मैंने इसे अगवा किया था। सर, विधि से पूछताछ के दौरान हमें मालूम चला कि रूही के पास एक मोबाइल है जिसका पता किसी को भी नहीं है। अक्सर किडनैपर्स किडनैपिंग के बाद मोबाइल या तो फेंक देते हैं या तो ऐसी जगह छुपा देते हैं जिससे पुलिस मिसगाइड हो जाए, लेकिन संजोग से वो मोबाइल रूही ने अपने पास छिपा कर रखा हुआ था। हमने लोकेशन ट्रेस की और हमें लोकेशन मिल गई। सर हमारा लक अच्छा था कि हमें दोनों मिल गए। कोर्ट देवराय चंद और विधि शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। मैं जब से आपसे मिली हूँ तब से हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई है। अब मुझे लगता है कि अगर कोई चीज है जो मुमकिन है तो वो है हमारा साथ होना। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।